अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर क्रिएशंस। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है 1.5 पाव मूंग मसूर की दाल, 3/4 कप ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 1 टीस्पून ऑफ नमक। इसके अलावा हमने ले लिया है 1/2 कप कटा हुआ धनिया। सबसे पहले हम दाल ले लेंगे और दाल को हमने भिगो देना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम लोग अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कोई भी बर्तन ले लें, मैंने यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ किया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल का थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए 1 अदद दरमियाना प्याज और इसको ब्राउन होने देंगे। ये देखें, तकरीबन हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट रखने के बाद हम इसको सिर्फ 2 मिनट हल्की आंच पे छोड़ेंगे ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे मसाले। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। ऐड कर देंगे भीगी हुई दाल। हमने इसमें ऐड कर दी है दाल और इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम उबाला आने तक पकने देंगे और इसके ऊपर कोई कवर नहीं करेंगे जब तक उबाला नहीं आ जाता। हमारी दाल को उबाला आने लगा है बस। जब इसका उबाला आने लगे तो हल्का हल्का इसको हिलाएंगे। दो से तीन मिनट तक आपने इसको इसी तरह हल्का हल्का हिलाना है। अच्छे से उबाला आ गया है। अब हम इसे हिलाने के बाद 20 मिनट के लिए तकरीबन दरमियानी आंच पर ढक के रख देंगे। तकरीबन हमें यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, चले आए हैं। हम चेक करते हैं। हमने इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब हम इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ढकेंगे और इसके बाद हमारी दाल तैयार हो जाएगी। यहाँ हमें 7 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे गरम मसाला और ये हमारी दाल तैयार है। लीजिए जनाब, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।